आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। सियासी गलियारों में दो पेशियों को लेकर आज खासी चर्चा है। नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को भिवंडी सिटी पुलिस ने पेश होने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आवास पर पुलिस सुरक्षा अलर्ट मोड पर है। वही खास बात है कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। तो आपको बताते चले कि आज राहुल गांधी की ईडी के सवालों पर उन्हें जवाब देना है और उनकी पेशी होनी है। इससे पहले अब जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार जो है वो दिल्ली में राहुल गांधी के आवास पर कांग्रेस के जो मुख्यालय है उसके बाहर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उससे पहले अब एक पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें ये लिखा गया है कि राहुल गांधी है झुकेंगे नहीं। वहीं इस मामले पर सुरजेवाला का क्या कुछ कहना है, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज एक ऐतिहासिक दिन है और कायर मोदी सरकार जान ले, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज फिर आगाज होगा एक गांधीवादी सत्याग्रह। तो आपको बताते चले कि आज राहुल गांधी ईडी के सवालों पर जवाब देंगे और जिससे पहले रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि हम लड़ेंगे और झुकेंगे नहीं और साथ ही साथ जीतेंगे भी। तो राहुल गांधी के पेशे से पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही राहुल गांधी के पक्ष में भी उन्होंने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि वो लड़ेंगे, झुकेंगे नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर थापा जुड़ चुके हैं। सागर थापा, आज ईडी के सवालों पर राहुल गांधी जवाब देंगे तो तकरीबन कितने बजे का समय है उनके ईडी के सामने पेश होने का? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो ईडी दफ्तर तक मार्च करेंगे और सही अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस के दफ्तर के बाद एक बाहर एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है कि किसी भी तरह का प्रदर्शन आप नहीं करेंगे, किसी भी तरह का गुटबाजी या किसी भी तरह के लोग इकट्ठा नहीं करेंगे जो कि प्रदर्शन के लिए जा सके। और तकरीबन अगर आपको बता दूं तो राहुल गांधी की जो पेशी का समय रखा गया है वो तकरीबन 12 बजे के बाद से रखा गया है और राहुल गांधी वहां पर जाएंगे और अपनी तमाम दलीलें वहां पर रखेंगे। जी राहुल, अगर देखा जाए सागर तो इससे पहले भी राहुल की 3 जून को पेशी होनी थी, तो क्या कुछ वजह निकल के सामने आई जब उनकी पेशी नहीं हुई? देखिए, राहुल गांधी की इससे पहले भी पेशी थी तो राहुल गांधी अपने सफाई से कहा था कि मैं इस वक्त मौजूदा हालात में मौजूदा स्थिति में नहीं हूँ कि मैं वहाँ पर पेशी में आ सकूँ, इस वजह से राहुल गांधी उस समय उपस्थित नहीं हो पाए थे। लेकिन आज का वो टाइम है, आज का वो दिन है तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं पेशी के लिए जाना ही पड़ेगा। ईडी हर जगह हर तरफ से उनके ऊपर दबाव बना चुकी है। राहुल गांधी और उसके तमाम जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के वो पैदल मार्च निकालेंगे कांग्रेस कार्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक। अब देखने वाली बात ये है कि एक तरफ शासन ने नोटिस चस्पा कर रखा है कांग्रेस कार्यालय के बाहर, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरह से कार्यकर्ता वहां पर ईडी दफ्तर पहुंचते हैं और राहुल गांधी का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। जी सागर, अगर देखा जाए तो सिर्फ एक ये पूछताछ ही होनी है, तो आखिर इसका विरोध क्यों किया जा रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा? देखिए, मेरी माने तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मोड़ भी कांग्रेस को लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस किसी भी खुफिया एजेंसी या जांच एजेंसी से डरने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस एक खास साफ छवि की एक पार्टी है जो काफी पुरानी पार्टी है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगता है कि अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पूरी तरह से विरोध कर रही है, अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रही है जो कि एक विपक्षी पार्टी करती है। तो वही कांग्रेस के कार्यकर्ता एवं कांग्रेस के बड़े नेता भी ये कर रहे हैं। जी सागर, अगर देखा जाए तो क्या ये माना जाए कि इस प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वो राजनीति में कितनी मजबूत है अभी भी?
हाँ देखिए, सबको पता है कि यूपी में कांग्रेस के क्या हालात हुए इस बार विधानसभा चुनाव में, और लोग जानते भी हैं क्योंकि लोगों ने कांग्रेस के ऊपर से भरोसा हटा दिया। वहीं आपको बताता चलूं कि दो राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, तो वहीं भूपेश बघेल से लेकर जो दूसरे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी साफ तौर पर जाहिर किया है कि कांग्रेस इस चीज का, इस पूरी तरह से पेशी का पूरी तरह से समर्थन नहीं करती है, पूरी तरह से विरोध करती है और वहां पर पैदल मार्च निकालेगी। वहीं आपको बताते चलूं दूसरी तरफ की भाजपा की, जहां पर जहां जहां सरकारें हैं, जहां जहां भाजपा का शासन है, वहां पर सख्त हिदायत दी गई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एवं कांग्रेस कार्यालय में कि साफ साफ कि आप वहां पर कोई किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन या किसी भी तरह की पैदल मार्च करने से बचे, क्योंकि माहौल इस वक्त यूपी का बेहद ही खराब है। जी सर, अगर देखा जाए तो इस वक्त आप कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद है, तो वहाँ का माहौल कैसा देखने को मिल रहा है? हाँ देखिए, कांग्रेस कार्यालय के बाहर तकरीबन आपको बता दूं कि सुबह से 7 बजे से लगभग, जैसे 7 बजे से तकरीबन काफी भारी पुलिस बल, अर्धसैनिक बल के लोग काफी यहां पर जुटा दिए गए हैं, काफी एकदम कार्यालय को पूरी तरह से छावनी बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलूं, नसीबुद्दीन सिद्दीकी हैं, काफी कद्दावर नेता कांग्रेस के, उन्हें भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और आराधना सिंह मोनू है, उनको भी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, उनको भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है, ताकि कहीं ना कहीं ये ना लगे कि प्रदर्शन में इनका भी एक रोल सम्मिलित है। सागर, अगर देखा जाए तो इस दौरान जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता है उन सभी की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया अभी तक कांग्रेस के नेताओं की सामने आई है? देखिए, प्रतिक्रिया का दौर देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरफ बताते चलो कि वही रणदीप सुरजेवाला से लेकर प्रमोद तिवारी से लेकर सबकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे आ रही है। अब देखने वाली बात यह कि इस तरफ जहां राहुल गांधी की पेशी होती है, राहुल गांधी उपस्थित होते हैं ईडी दफ्तर के सामने, ईडी अधिकारियों के सामने, उसके बाद जो अलग से प्रतिक्रिया निकल के आएगी वो तो पार्टी जल्द ही सबके सामने, सबके समक्ष रखेगी। सागर, अगर देखा जाए तो ये एक मामला जो है ये लंबे समय से चला आ रहा है, और जब किसी को ईडी के सामने पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, फिर चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे कोई अन्य नेता हो, तो लगातार ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, तो आखिर ये मामला इतने समय से लंबित क्यों पड़ा हुआ है? आखिर क्या वजह रही है जो अभी तक इस मामले में एक कठोर कदम नहीं उठाया गया? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो मामला है तकरीबन 3 दशक पुराना मामला है, और ये काफी मामला चलता चला आ रहा है। इस मामले को लेकर काफी हर शासनकाल में हर सरकारों में बहस भी होती है, और आपको बताते चलूं कि कई सालों तक कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही है और राज्यों में भी रही है, तो कहीं ना कहीं आपको बताते चलूं कि मामला इस वजह से भी पीछे हटा, इस वजह से भी रुका, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बैठी थी। अब बात करूंगा 2014 के बाद की, तो वही मोदी जी की सरकार ने तमाम ऐसी फाइलें खोलना शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं इस वजह से कांग्रेस को ये भी लग रहा है कि जो हमारी पुरानी चीजें हैं वो खुल रही है। वही कांग्रेस का साफ साफ बयान ये भी आया है कि कांग्रेस किसी भी जांच एजेंसी से किसी भी तरह का डरने वाली नहीं है। यानी कि ये कहा जाए कि आज जहां जहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन हमें देखने को मिल सकता है, उससे ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की आज पूरी तरह से कोशिश करेगी। देखिए, आपको पता है कि इस वक्त कांग्रेस के हालात काफी ठीक नहीं है, क्योंकि दो राज्यों में केवल सरकारें बची हैं और विधानसभा, यूपी विधानसभा चुनाव में भी वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए, तो आप शायद इस बात से भली भांति वाकिफ होंगी कि कांग्रेस की स्थिति क्या थी और क्या हो गई है। तो कहीं ना कहीं जो टीस होती है मन में कि हम अपना विरोध प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी राजनीति स्टंट करने का फैसला लिया है कि हम एक राजनीति स्टंट के तौर पर अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे और सरकार की नीतियों का, या फिर कहिए जांच एजेंसियों की जो मनमानी उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उसको जनता के समक्ष रखेंगे। जी सागर, अभी आपने बताया कि लखनऊ में प्रदर्शन ना होने पाए, इसको लेकर कांग्रेस के कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है, जिनमें आराधना मिश्रा मोना भी शामिल है, तो और कौन कौन से नेता ऐसे हैं जो नजरबंद किए जा चुके हैं या उन्हें नजरबंद कुछ देर में किया जाएगा ताकि लखनऊ में प्रदर्शन ना देखने को मिले? देखिए, साफ तौर पर आपको बता दूं कि नसीबुद्दीन सिद्दीकी हैं, कांग्रेस के काफी कद्दावर नेता हैं, इससे पहले वो बीएसपी में काफी ऊंचा पद हुआ करता था उनका, मान के चलिए वो बहन जी के राइट हैंड हुआ करते थे, लेकिन अब उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, वही कांग्रेस उनको शासन ने पूरी तरह से उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है। वही आराधना सिंह की बात करूं तो उनके घर के बाहर भी सुबह से पुलिस लगी है, उन्हें भी घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, उन्हें भी घर से हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या फिर शक्ति प्रदर्शन या फिर फ्लैग या फिर पैदल मार्च को बल ना मिल सके, कोई बड़ा नेता इसमें सम्मिलित ना हो सके।
लोग जो है कार्यकर्ता इसमें जुट ना सके, जो भी प्रदर्शन हो या फिर अगर कांग्रेस कार्यकर्ता उस प्रदर्शन को करना चाह रहे हैं या किसी भी तरह का अंजाम देना चाह रहे हैं तो वो भी एक शांत रूप में हो, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और शांति व्यवस्था बहाल रहे, किसी भी तरह की अनहोनी घटना ना हो सके। सागर, जैसे कि आप इस वक्त कांग्रेस कार्यालय के बाहर मौजूद है, तो क्या तो वहाँ पे धारा 144 का कितना असर देखने को मिल रहा है? देखिए, तकरीबन आपको बता दूं कि यहाँ पर सुबह से ही पुलिस बल और तमाम जो अर्धसैनिक बल है उन्हें डिप्लॉय किया गया है और पूरी तरह से जो कार्यालय है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो आपको बता दूं कि धारा 144 का उल्लंघन तो साथ में हो ही रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो कार्यालय के अंदर काफी लोग इकट्ठा है, कार्यकर्ता इकट्ठा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बता दूं कि शासन ने इतनी सख्त सुरक्षा बढ़ाई है, यहाँ पे इतना पहरा ऐसा लगाया है, अकेला नुमा पहरा लगाया है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो मंशा है ये उसका साफ साफ कहना था कि हम पैदल मार्च निकालेंगे एडीएस तक, दफ्तर तक, वो शायद पूरी ना हो सके। धन्यवाद सागर थापा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी आपने सुना कि किस तरह से लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय के बाहर का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ धारा 144 पुलिस प्रशासन द्वारा लागू की गई है, तो वहीं सुबह 7 बजे से ही कार्यालय के बाहर पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिल रहा है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन फुल टू एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। यही वजह है कि जहां एक तरफ कांग्रेस ने अपने सभी क्षेत्रीय जो कार्यकर्ता हैं, जो सभी नेता हैं, उनसे आह्वान किया था कि वो आज पैदल मार्च करके राहुल गांधी के समर्थन में आ गया है, तो वहीं एक तरफ पुलिस प्रशासन के सख्त पहरे के चलते लखनऊ में इस प्रदर्शन का फिलहाल कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के कार्यालय के बाहर धारा 144 का पोस्टर भी चस्पा कर दिया गया है। साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस वक्त पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट है, भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस कार्यालय के बाहर इस वक्त छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। निलंबित भाजपा नेता नुपुर शर्मा और भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल की टिप्पणी के विरोध के बाद उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा में ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिल रही है। कानपुर और सहारनपुर में उपद्रवियों के भवनों पर बुलडोजर गर्जा, तो प्रयागराज में बवाल करने वाले बिजली बिल बिकायेदारों के साथ अवैध निर्माण कराने वाले चिन्हित किए गए। ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों के साथ ही पत्थरबाजों और दंगाइयों पर रासुका लगाने की भी तैयारी की जा रही है। तो आपको बताते चले कि भाजपा से निष्कासित हुए नुपुर शर्मा के बयान पर जो सियासत है वो लगातार जो है एक तरफ गर्माती हुई नजर आ रही है। तो उनके बयान के बाद से प्रदेश के कई जनपदों से हिंसा की खबरें आई थी, जिसकी शुरुआत कानपुर से हुई थी, जहां कानपुर में 3 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार ने एक तरफ जहां दंगाइयों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश जारी किया था और पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई थी, जिसके बाद जब कानपुर हिंसा के बाद जब दूसरी बार जुम्मे की नमाज हुई तो सहारनपुर, प्रयागराज, ये तमाम ऐसे जनपद है जहां से दोबारा एक बार हिंसा की खबरें सामने आई। इस दौरान पूरे प्रदेश ने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था, 20 सड़क पर पत्थरबाजी की गई थी, पुलिस को घायल किया गया था, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। वह अब इस मामले पर योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी इन दंगा में शामिल था, जो भी दंगाई है, उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इस पूरे दंगे में जो भी आरोपी शामिल पाया जाएगा, जो भी दंगाई लिप्त पाया जाएगा इस मामले में, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर योगी सरकार के अब अधिकारी भी फुल टू अलर्ट मोड पर एक्टिव हो चुके हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाइयों का दौर देखने को मिल रहा है, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। वहीं अगर बात कानपुर की जाए तो कानपुर में 3 जून को इस हिंसा की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से लेकर आज तक लगातार इस मामले में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई की कर रही है, साथ ही साथ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है और इस मामले में लगातार कई विदेशी तार और PFI जैसे तार भी लिंक होने की खबरें लगातार हमें देखने को मिल रही है। साथ ही अगर प्रयागराज की बात करी जाए तो प्रयागराज में भी दंगों की खबरों ने सबको झकझोर कर रख दिया था, जहां एक तरफ योगी सरकार ये दावे करती हुई नजर आ रही थी कि उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है,
उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो चुका है, लेकिन जब ऐसी तस्वीरें प्रदेश के सामने आई और जब ऐसी तस्वीरें प्रदेश में देखी गई तो योगी सरकार के बयानों का साफ साफ पलीता लगता हुआ नजर आया। वहीं अगर बात करी जाए तो लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा धारा 144 लागू की गई थी, जिसके बावजूद भी प्रदेश के कई जनपदों से ऐसी दंगे की तस्वीरें सामने आई, पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें पूरे प्रदेश ने देखी, पूरे प्रदेश इसका गवाह बना कि किस तरह से प्रदेश पूरा सांप्रदायिक हिंसा की आग में भड़कता हुआ नजर आया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से पवन पटेल। पवन पटेल, लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो क्या कुछ अपडेट है आपके पास अभी तक इस मामले में? जी, जिस तरीके से बीते जुमे की नमाज के बाद संगम नगरी प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, लगातार 5 घंटे अटाला क्षेत्र में पूरी तरीके से गोरिल्ला युद्ध जैसा माहौल दिखा था। दंगाइयों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस कर्मियों पर, मीडिया कर्मियों पर पत्थर बरसाए गए थे और इसमें कई पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी भी घायल हुए थे। अब जिस तरीके से प्रशासन यहां पे कार्रवाई कर रही है, बीते कल की बात की जाए तो कल इस पूरे जो मास्टरमाइंड है जावेद मोहम्मद, जावेद मोहम्मद पंप, उसके 3 मंजिला इमारत को कल पीडीए और प्रशासन ने उसको जमींदोज कर दिया है। अगर बात की जाए जावेद पंप के उस मकान की, तो 3 मंजिला मकान की जो कीमत है वो आधिकारिक रूप से 5 करोड़ के आसपास की बताई गई है और लगातार पुलिस इस पे कार्रवाई कर रही है। जितने भी अभी तक दंगाई चिन्हित किए गए हैं उनके घरों पर, उनके अवैध निर्माणों को इसी तरीके से ढहा दिया जाएगा। अगर बात किया जाए संगम नगरी प्रयागराज की, तो अटाला और जो करेली का क्षेत्र है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील है। लगातार पुलिस की टीम उस पर गश्त करती हुई नजर आ रही है और जिले काला अधिकारी उस पूरे एरिया को कवर करके रखे हुए हैं। पूरे क्षेत्र में ड्रोन कैमरे चलाए जा रहे हैं कि किसी भी तरह के अगर वहां पे लोग अपने घरों से निकलते हैं या बाहर आते हैं या ऐसी कोई गतिविधियां देखती हैं तो उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। जी उपेंद्र, कानपुर से ये खबरें सामने आ रही हैं कि आज भी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ऐसे कौन से इलाके हैं जिनको आज चिन्हित किया गया है जहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आएगा? जी उपेंद्र, भावना चौकी के पास जो हुआ था उसके जस्ट पीछे जो सुतर खाना पड़ता है और उसके बाद आपके पास मूलगंज चौराहा जो है, जिसमें जो है 12 इमारतें जो है 12 जगह चिन्हित किए गए, जिसमें कि 31 इमारतों पर जो है आज सीजिंग का और ध्वस्तीकरण का जो आदेश हुआ है वो लगातार जारी है। कानपुर विकास प्राधिकरण की टीम और नगर निगम टीम और प्रशासन जो है पूरी तरीके से सक्रिय है और दोपहर के बाद बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है। पवन, अगर देखा जाए तो कानपुर में तो दंगाइयों के पोस्टर खुलेआम 20 सड़क और चौराहों पर देखने को मिले, तो क्या प्रयागराज से भी आगे आने वाले कुछ दिनों में ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी प्रदेश को? लेकिन जिस तरीके से प्रशासन यहां पे कार्य कर रही है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में ऐसी तस्वीरें जरूर देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार जिले के आला अधिकारी, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इस पे कार्य कर रहे हैं और दंगाइयों को चिन्हित किया जा रहा है और लगातार जो दंगाइयों की संख्या है वो बढ़ रही है। अगर बात की जाए संगम नगरी प्रयागराज की, तो 93 लोग अभी तक इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और 5,000 अज्ञात लोगों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो ये जो 5,000 लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके नाम सामने आएंगे और एक बड़ी लिस्ट यहाँ पर सामने आएगी। जी उपेंद्र, अगर देखा जाए तो 3 जून के बाद से ही इस कांड को लेकर लगातार कई खुलासे किए जा रहे हैं, तो पुलिस ने अभी तक क्या कुछ बयान जारी किया है कि पुलिस की जांच अब तक कहां पर पहुंची है? जी, आपको बता चले कानपुर में जो 3 जून की जो है हिंसा थी उसको लेकर जो सरकार ने पोस्टर जारी किया था पुलिस प्रशासन ने, 40 लोग में जो अभी तक केवल 39 लोग गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी 11 लोग जो है जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और अज्ञात में जो देखा जाए वो लगभग गिरफ्तारी देखा जाए तो 20 से 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और उसको लगातार दबिश जारी है पुलिस की। पर देखा जाए तो जफर आसमी के जो करीबी एक पूर्व सपा नेता जो है निजाम कुरैशी जो है, उसका नाम प्रकाश माया, उससे पूछताछ की गई है और उस पूछताछ में उसने साजिशकर्ता का नाम लखनऊ में बताया, कोई बहुत करीबी साजिशकर्ता है जो लखनऊ में इनसे मुलाकात किया था, जफर आसमी से, निजाम कुरैशी से और एक साथी इनके और थे जिनके साथ इन्होंने जो है लखनऊ में जो है साजिशकर्ता से मुलाकात की थी, उन्होंने ही पनाह इनको दी थी लखनऊ के अंदर हजरगंज चौराहे पे। पवन, अगर देखा जाए तो इस दौरान तमाम दंगाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे दंगाई है जो कई ऐसे उपद्रवी है जो पुलिस की पहुंच से अभी तक बाहर है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने क्या कुछ प्लान तैयार किया है?
जी आपको बताना चले जो पुलिस में गिरफ्तारी का प्लान तो पूरी तरीके से सक्रिय है, क्योंकि सूबे के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जो आईपीएस अजय पाल शर्मा को जो कानपुर भेजा है और चारू मिश्रा जो आईपीएस उनको कानपुर भेजा है, इन लोगों की काम करने का तरीका जो इनकी समीक्षा है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल देखा जाए तो बिल्कुल पूरा जो अपराध है यहाँ पर जो दंगा नियंत्रण हुआ था वो पूरा जो है एकदम बिल्कुल ठहर गया है, और देखा जाए तो पूरी शांति व्यवस्था इस क्षेत्र में लागू है, पर प्रशासन जो है वो लगातार बुलडोजर व अवैध कब्जे को लेकर के लगातार कार्रवाई जारी रखा है। वो कौन लोग हैं और किस तरीके से ये जो सामने आई थी तस्वीरें, तो निश्चित रूप से इनमें बड़े चेहरे भी सामने आने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। जी पवन, अगर देखा जाए तो कानपुर में अब लगातार नेताओं और बिल्डर्स की जो नाम है वो सामने आ रहे हैं, तो प्रयागराज में अभी तक कोई ऐसे बड़े नाम सामने आए हैं या कोई ऐसे हाईलाइटेड नाम जो अभी तक इस मामले में सामने आए हो? नहीं, आधिकारिक रूप से कोई भी ऐसे नाम को अभी तो सार्वजनिक नहीं किया गया है। जो सबसे बड़ा नाम था इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टर माइंड था मोहम्मद जावेद मोहम्मद तम, उसके नाम को सार्वजनिक कर दिया गया था। कल उसके मकान को, तीन मंजिला मकान को पीडीओ और प्रशासन ने पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया है। आने वाले दिनों में कुछ बड़े नाम जो है वो सामने आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अभी तक इस पर पुलिस किस तरीके से कार्य कर रही है इसको अभी तक पुलिस के अधिकारियों ने सार्वजनिक नहीं किया है। आने वाले कुछ दिनों में बड़ी कार्रवाइयां जरूर प्रयागराज में देखने को मिल सकती है। जी उपेंद्र, अगर देखा जाए तो लगातार दंगाइयों के खिलाफ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, और अब इस कांड में पीएफआई कनेक्शन और विदेशी फंडिंग के तार भी जुड़ते हुए नजर आ रहे थे, तो अभी तक क्या कुछ अपडेट है इस मामले को लेकर? जी आपका बिल्कुल सही कहना, एमएस जोर एसोसिएशन जफर आजमी ने बनाया था, जिसका वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना था, और उसमें जब फंडिंग आती थी वो विदेशों से फंडिंग आती थी, और कई देखा जाए तो बिल्डर्स और कई सफेद पोश नेताओं के नाम उजागर भी आधिकारिक तौर पर नहीं किए गए हैं, पर पूछताछ लगातार जारी है, जिसमें करोड़ों रुपए की फंडिंग जो है जफर आजमी के अकाउंट पे की जाती थी। पवन, अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रयागराज का यानी कि संगम नगरी का माहौल कैसा बना हुआ है? देखिए संगम नगरी की बात की जाए तो संगम नगरी का अटाला और जो चौक है और ये करेली क्षेत्र, इसको छोड़ दिया जाए तो पूरा शहर जैसे आम जनजीवन जैसे जीता था, जैसे उनकी दिनचर्या है लगभग वैसी ही चल रही है। हाँ, ये जो क्षेत्र है जिस क्षेत्र में ये घटना हुई थी, जिस क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, वो क्षेत्र पूरी तरीके से छावनी बना है। वहां पे पुलिस की टीम लगातार गश्त कर रही है, पुलिस वहां पर पुलिस की टीमें बैठाई गई है कि किसी भी तरह के वहां पे कोई कार्यवाही ना हो, और जिस तरीके से यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये निश्चित रूप से ये पूरे संगम नगरी को कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल की ओर ले गई थी कि आखिर इस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं किस तरीके से सामने निकल के आई हैं। हाँ, वो जो एरिया है वो पूरी तरीके से छावनी में तब्दील बना हुआ है। जी लेकिन पवन, अगर देखा जाए तो बीते दिनों जो प्रदेश ने हिंसा की तस्वीरें देखी वो कोई मामूली तस्वीर नहीं थी, क्योंकि जनपद में धारा 144 लागू था, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर एक्टिव नजर आ रहा था, तो क्या कुछ वजह रही जब दंगाई इतनी बड़े संख्या में सड़क पर उतरे तो पुलिस को अंदेशा कैसे नहीं हुआ? देखिए निश्चित रूप से ये जो बातें हैं ये पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सही साबित होती नजर आ रही है कि इसमें प्रशासन की बड़ी छूट सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से इंटेलिजेंस की टीमें लगाई गई थी और लगातार जिले काला अधिकारी चीज के दावे कर रहे थे कि हम धर्म गुरुओं के साथ बैठ के कर रहे हैं, सामान्य यहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से सामान्य है, और जैसे जुम्मे की नमाज समाप्त होती है उसके कुछ ही देर में वहां पर लगातार पत्थरबाजी की घटना सामने आती है। चार पांच घंटे तक प्रयागराज की उन सड़कों पर गुरिल्ला युद्ध जैसी तस्वीरें नजर आई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई वहां पे मीडिया कर्मी घायल हुए, पूरा जो एरिया है पूरी तरीके से यू कह लीजिए कि भगदड़ मची हुई थी पूरे शहर में, लोग चारों तरह की चर्चाएं थी, तो निश्चित रूप से इस पर पुलिस की और प्रशासन की बड़ी छूट कही जाएगी, इंटेलिजेंस की निश्चित रूप से बड़ी यहाँ पे कमी सामने आई है। जी उपेंद्र, अगर देखा जाए तो जब भी कोई ऐसी हिंसा या दंगे की खबर आती है तो उसमें सोशल मीडिया सबसे अहम रोल प्ले करता है, और वही कुछ इस कांड में भी हमको देखने को मिला कि इस दौरान भी सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट वायरल किए गए जिसके बाद ये दंगा हुआ, तो अभी तक जो भी ग्रुप्स एक्टिव मिले हैं क्या उनके एडमिन्स की पहचान हो पाई है? जी आपको पता चले कि जो दंगाओं भड़काओं बयान वाले पोस्टर जारी हुए सोशल मीडिया पर जारी किए गए थे, और लगातार जो एक्टिव ग्रुप थे उसमें जो जफर आजमी के 141 ग्राउंड व्हाट्सएप ग्रुप बने थे, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो हिंसा को लेकर अपडेटिंग थी, जिसमें कि देखा जाए तो कानपुर के वर्तमान समय के दो विधायक जो ऐसे हैं जो उस ग्रुप में एडमिन भी थे और उनको सारी जानकारी में आ रही सामने, पर ये पुलिस की पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। पर जब कानपुर में कल जब ईडी आ चुकी है, अब ईडी ने पूरे मामले को जांच में ले लिया है, वो चाहे सफेदपोश नेता हो या उच्च अधिकारी हो और या फिर कोई बिल्डर्स हो,
कार्रवाई जो है लगातार जारी है कानपुर के। पवन, अगर देखा जाए तो बीते दिनों हमने जो इस दंगे के मुख्य आरोपी थे उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, पूरे प्रदेश ने देखी कि किस तरह से प्रयागराज में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो क्या कुछ ऐसी कार्रवाई आज भी देखने को मिल सकती है? देखिए, अभी तक इस पर आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है। हालांकि जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने इस बात को कहा है कि जितने भी उपद्रवी हैं उनके अवैध निर्माणों को गिराया जाएगा। आज किस तरह से कार्रवाई होगी ये अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि जो बुलडोजर बुलाए गए थे वो अभी भी वहीं मौजूद है। ये जरूर कयास लगाया जा रहा है कि वो जो अटाला का क्षेत्र है जिस क्षेत्र में पत्थरबाजी की घटना हुई थी वहां पे जो अतिक्रमण है आज उनको हटाने की प्रशासन की तैयारी है। अगर ऐसी कोई प्रशासन की तैयारी है तो कुछ ही घंटों में वो जो कार्रवाई है वो सामने आ जाएगी। जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रयागराज से, और उपेंद्र कानपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बीते दिनों प्रदेश सांप्रदायिक हिंसा की आग में जलता हुआ नजर आ रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई लगातार अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं कि किस तरह से प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई करता है। वहीं आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद पूरे देश ही नहीं पूरे प्रदेश में हिंसा की आग देखने को मिली। वहीं अब दंगे के बाद अब लगातार प्रशासन जो है वो अपने हिंसा का हिसाब भी लेता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि अब जो भी दंगाई है उनके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। जो भी दंगाई इसमें शामिल है उनको गिरफ्तारी करके लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।